सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञान दाता। चार प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, तीन तो रिजेक्ट कर दिए, जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी को उत्तम मानना उसने, कि वो मेरे, वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ। लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना, इससे मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ, जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञान दाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, और मैं ऊपर दिव्य लोक ब्रह्म, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 563 564 पृष्ठ तक ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूँ मैं, उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम को का जाप करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म, और तुम्हारा कल्याण हो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं, कौन कौन से, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि, ये मंत्र नहीं है क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा या शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख,
मरण माने मृत्यु का कह रहे, ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्वब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्वब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्वब्रह्म, वो तत्वब्रह्म क्या है। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष जानो, और उसकी तीन शाखा हैं वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसके पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक गीता जी में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करना हुआ शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता था तो दर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है, उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज अहम तवा सर्व पापे भ मोक्षामी मा सुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 5 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं, ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। अब पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते, कराते, हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहाँ इसका होटल है, वहाँ 25% चार्ज लेता हमारे से, सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हों वहाँ होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहाँ नाश करके और फिर पाप भी भोगते और फिर 84 लाख योनियों भोगते और यहीं धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे अपनी, जो भक्ति करें हम इसको दे देंगे ब्रह्म को,
इस श्वास के सतनाम में दो दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है एक तत् और सार नाम के अंदर, फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये स्वयं भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के सभी पूजाएं जो मेरे सतर की भक्ति है वो धन मुझे दे दे नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सत्र की जो भक्ति है, हम चरकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में, और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगे वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी आपके विधान में है सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, उसके सत्र की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको भी मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, बको अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी, और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास इस पृथ्वी पर आज के दिन करीब अपना डगमग ना होना।